नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में आस्था और विश्वास से जुड़े उत्तराखंड के चार धामों को बहुत ही शुभ बताया गया है। इस साल 2023 में चार धाम यात्रा 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया से शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया की तिथि को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से त्रेता युग का आरम्भ और परशुराम जयंती मनाई जाएगी। जिन चार धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा है, इन दिनों की जाती है, उसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि कभी इन्हीं पावन स्थानों पर आदि शंकराचार्य ने साधना आराधना की थी। उत्तराखंड राज्य के चार धाम यात्रा में श्रद्धालु पश्चिम से पूरब की ओर चलते हुए यानी यमुनोत्री से चलकर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ पहुंचकर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। आइए चार धाम यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। देवों के देव महादेव के 11वें ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल मेष लग्न में प्रातः काल में खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का पूजन कार्यक्रम इससे पहले ही 21 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हो जाएगा और बाबा की डोली उठी मठ से स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से चलकर एक दिन पहले ही केदार मंदिर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही केदारनाथ के कपाट खुलने ते ही महादेव के भक्तों का तांता लग जाएगा। श्री हरि के प्रसिद्ध मंदिरों में से बद्रीनाथ मंदिर भी एक है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे, जिसके साथ ही आम तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ का भी दर्शन कर सकेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।